हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम ओ लेवल का हमारा सिलेबस कवर कर रहे थे और आप सभी ने देखा होगा कि लास्ट वीक मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं करी है। तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि अभी जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में कोविड काफ़ी फैल रहा है, तो उसी का इफ़ेक्ट थोड़ा सा हमारी फैमिली पर भी पड़ा था। बट अब धीरे धीरे हमारी फैमिली पर रिकवर हो रहा है, तो अब मैं वापस आप लोगों के लिए आपकी वीडियोस प्रोवाइड करवा रही हूँ। और लास्ट एक वीक का मैं नहीं कवर कर पाई, और उसके लिए मैंने आपको सॉरी बोल ही दिया है। और अब धीरे धीरे आपको वीडियोस मिल जाएंगी आपकी, तो आज से हम वापस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट में डिक्शनरी हमारी क्लास में कंटिन्यू चल रहा था, और डिक्शनरी में हमने किस तरह से डिक्शनरी के आइटम को डिलीट करते हैं इसे देख लिया है। आई होप आप लोगों ने अभी तक की वीडियोस देख ली होंगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि किस तरह हम डिक्शनरी का डेटा शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट यानी असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, कीज़ के अकॉर्डिंग या वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग किस तरह हम डिक्शनरी का रिकॉर्ड, जो डिक्शनरी है वो हमारी असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होती है। अब देखिए, आपने देखा होगा कि हमारी डिक्शनरी, जैसे नॉर्मल डिक्शनरी पढ़ते हैं तो वो अल्फाबेटिकली अरेंज रहती है ना। अब क्या हुआ होता है, हम डिक्शनरी में कोई एलिमेंट ऐड करते हैं, है ना। आपने देखा था डिक्शनरी में एलिमेंट ऐड करा था, तो वो डिक्शनरी में लास्ट में ऐड हो गया था। कीज़ के साथ उसकी वैल्यूज़ क्या हो गई थी, डिक्शनरी के लास्ट में ऐड हो गई थी। बट ये तो स्मॉल डेटा है ना। लार्ज अमाउंट पे अगर आप इस तरह से डिक्शनरी में डेटा ऐड करेंगे, तो आप ये तो चाहते नहीं है कि अनमैनेज ही रहे, किसी असाइन ऑर्डर में अरेंज ना हो, ये नहीं चाहते। आप चाहेंगे कि आपका जो भी डेटा है, रिकॉर्ड है, वो आपको अरेंज ही मिले, है ना। अल्फाबेटिकली या जो भी आपकी कीज़ में नंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको अरेंज मिले आपका रिकॉर्ड। तो आज हम जो सीखेंगे वो यही है कि किस तरह से हम हमारी जो डिक्शनरी का रिकॉर्ड है उसे अल्फाबेटिकली अरेंज कर सकते हैं। आपने जितने भी एलिमेंट्स लास्ट में ऐड करे, वो कहीं जहाँ पे भी उसकी पोजीशन आती है वहाँ पे क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आपका सेव हो जाए, है ना, स्टोर हो जाए, वहाँ पे कोई आपको इश्यूज ना रहे। और जब भी आप उस डिक्शनरी का डेटा एक्सेस करें, तो वो आपको अल्फाबेटिकली या जो भी आपका ऑर्डर है उस ऑर्डर में आपको आपका रिकॉर्ड मिल जाए। ऐसा नहीं है कि लास्ट में ऐड करें तो लास्ट में मिले, है ना। क्योंकि देखिए, मान लीजिए अगर डिक्शनरी कोई बनाते हैं, अब मान लीजिए बी, आप नॉर्मल डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, बी नाम का कोई लेटर मीनिंग न्यू ऐड हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है वो डिक्शनरी में लास्ट में ऐड होगा, वो वहीं पे होगा जहाँ पे बी नाम की प्लेस होगी, जहाँ पे बी का ऑर्डर होगा, है ना। तो वहीं हम यहाँ पे आज बात करेंगे, है ना। तो आज हम क्लास में जो पढ़ने जा रहे हैं उसको मैं आपको यहाँ पे कमेंट में लिख के बता देती हूँ। शॉर्टिंग दी डिक्शनरी, इसका हम आज यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। डिक्शनरी को किस तरह से हम शॉर्ट करें, वो हमारा आज की क्लास में टॉपिक रहेगा, ठीक है। और ये आपने थंबनेल में भी देख ही लिया है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी का डेटा अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले डिक्शनरी को शॉर्ट करने के लिए आपको कीज़ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आप शॉर्ट फंक्शन या शॉर्टेड फंक्शन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी का डेटा शॉर्ट कर सकते हैं। डिक्शनरी की कीज़ को किस तरह से लिस्ट, एक क्या करेंगे, जो भी कीज़ होगी आपकी, है ना, उसे हम लिस्ट में क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट, लिस्ट के ऑब्जेक्ट में एक तरह से स्टोर कर देंगे। ये मैं अब आपको बताऊँगी कैसे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं, डिक्ट करके हमने एक वेरिएबल ले लिया। अब आप जानते हैं डिक्शनरी का रिकॉर्ड हम कर्ली ब्रेसेस के अंडर में लेते थे, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ ले लिया फोर ले लिया, और फोर में हमने एक रिकॉर्ड एंटर कर देते हैं, ये हम कर देते हैं हीना लिख देते हैं, ठीक है। हीना नाम हमने यहाँ पे लिख दिया। सेकंड रिकॉर्ड लिख देते हैं हम फिफ्थ में लिख देते हैं, और यहाँ पे हम रिकॉर्ड में लिख देते हैं खुशी लिख देते हैं, ठीक है। खुशी हमने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट हम लिख देते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी डिक्शनरी का रिकॉर्ड लिख सकते हैं ना, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप ये ही लिखें। आपका जो भी इच्छा हो, आप टेक्स्ट में या किसी भी फॉर्मेट में अपना रिकॉर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे देखिए, पहले मैंने वैल्यू, आपने देखा होगा कीज़ में मैंने फोर दिया है, फिर फाइव दिया है, अब थ्री दिया है। अभी ये किसी भी ऑर्डर में अरेंज नहीं है, है ना। तो यही आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम इन्हें ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है।
कुछ हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ तो कीज दी हैं हमारी डिक्शनरी में, और कुछ हमने क्या दिए हैं यहाँ पे, उनको वैल्यूज दिए, जो कि आप जानते हैं कि डिक्शनरी में हम किस तरह से रिकॉर्ड हमारा देते हैं। अब अगर हम इसे प्रिंट करवाएं हमारे इसको, तो नॉर्मल आप देखेंगे कि ये हमारी डिक्शनरी में ऐड हो गया। 4 नंबर पे हीना आ गया, 5 पे खुशी आ गया, और मीना आ गया, और जो भी हमारा रिकॉर्ड था कीज एंड उनकी वैल्यूज हमें शो गई। अब ये अनऑर्डर में देखिए, 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 5 पे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे करके देखते हैं कि किस तरह से हम कीज़ को क्या कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, या फिर किस तरह से है ना कीज़ को हम एक अलग फॉर्मेट में कर सकते हैं ना। सबसे पहले तो हम कीज़ को हमारी इस डिक्शनरी में से क्या करके देखते हैं, अलग प्रिंट करवा के देखते हैं, ठीक है। तो अलग प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इन कीज़ को एक लिस्ट में हम क्या कर देंगे, स्टोर करवा देंगे, ठीक है। ये हमने क्या लिखा, हमारा वो वेरिएबल लिखा, और हम इस पर अप्लाई करेंगे हमारा कीज़ का फंक्शन, ठीक है। ठीक है, हम क्या करवा रहे हैं, इस जो भी हमारी डिक्शनरी का रिकॉर्ड था वो हम स्टोर करवा रहे हैं किस में, लिस्ट ना, लिस्ट के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। आप लिस्ट के बारे में जानती हैं क्योंकि लिस्ट को हमने पहले भी वर्क करके देख लिया है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करके देखते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं कि हमें क्या रिसीव हो रहा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे है ना कीज आएगा, ठीक है। कीज़ फंक्शन का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ करके देख रहे हैं। अब हम एफ आर को प्रिंट करवाते हैं। देखिए एफ आर में क्या स्टोर हो गया, जो भी हमारी कीज़ थी 4, 5, 3, 1। आपने देखा हमारी कीज़ कौन सी थी, 4 थी, 5 थी, 3 थी एंड 1 थी। हमने क्या करा, हमने हमारा जो भी डिक्शनरी का रिकॉर्ड था उसके लिए हमने क्या करा, कीज़ फंक्शन का यूज़ करा, और उस कीज़ फंक्शन को हमने एक लिस्ट ऑब्जेक्ट में क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, उस लिस्ट के ऊपर क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड का यूज़ करेंगे। यानी जो हमारे डिक्शनरी में लिस्ट है, डिक्शनरी का जो भी रिकॉर्ड था हमने लिस्ट में स्टोर करा, अब हम इस ऑर्डर को क्या करेंगे, ये जो हमारा लिस्ट है इससे हम शॉर्ट करेंगे, यानी 1, 2, 3 फॉर्म, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सिक्वेंस में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। अभी तो आपने देखा, देखिए 4 है, 5 है, 3 अनऑर्डर है ना। अब आप चाहेंगे आपकी डिक्शनरी का रिकॉर्ड क्या रहे, एक शॉर्ट हो जाए, है ना, अल्फाबेटिकली, या जैसे भी अपन शॉर्ट करते हैं। आपने एक्सेल में भी जैसे देखा होगा कि ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाए, है ना। तो अब हम इस पर शॉर्ट फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करा, हमने जो भी हमारे डिक्शनरी थी डिक्शनरी क्रिएट करी, और उसके बाद हमने डिक्शनरी प्रिंट करके देखी, फिर हमने क्या करा, डिक्शनरी के ऊपर कीज फंक्शन के साथ उसे लिस्ट में स्टोर करवाया, लिस्ट में सेव करा, और लिस्ट को हमने किसी वेरिएबल में स्टोर करके उसे प्रिंट करवा लिया। अब जो हमारा लिस्ट का रिकॉर्ड है ना, जिस वेरिएबल में, उस वेरिएबल को क्या करवा रहे हैं हम, शॉर्ट करवा रहे हैं ना, असेंडिंग ऑर्डर में, या जो भी नंबर्स है सीक्वेंस में हम क्या करवाएंगे, अब इसे शॉर्ट करवाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, शॉर्ट फंक्शन के लिए वेरिएबल का नेम लिखा हमने, और इस पर हम लगा देंगे शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट फंक्शन हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। और अब हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे हमारा एफ आर। अब देखिए, जब हमने शॉर्ट फंक्शन अप्लाई करवाया, तो जो भी हमारी कीज थी वो किस में हो गई, असेंडिंग टू ऑर्डर में हो गई। देखिए 1 हो गया, 3, 4, 5, यानी सिक्वेंस वाइज हमें हमारा, हमारी कीज़ क्या हो गई, शॉर्ट होके मिल गई। अब हम क्या चाहते हैं, ये जो शॉर्ट हुई है इनके साथ साथ जो इनकी वैल्यूज़ है वो भी हमें क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए, है ना। हमने जो भी हमारी डिक्शनरी का रिकॉर्ड बनाया था वो अनऑर्डर था, उसे हमने ऑर्डर करा, शॉर्ट करा, उसे सिक्वेंस में लाए। अब सिक्वेंस में लाने के बाद हम चाहते हैं कि उसकी जो भी वैल्यूज़ है वो हमें क्या हो जाए, प्रिंट होके मिल जाए, ठीक है। सिंपल सा है, प्रिंट होके मिल जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर नाम का वेरिएबल चलाएंगे, क्योंकि देखिए लूप चलाएंगे तभी क्या होगा, पहले 1 पर जो हमारा वैल्यू है वो हमें प्रिंट होगी, फिर 3 पर वैल्यू प्रिंट होगी, फिर 4 की वैल्यू, और फिर 5 की वैल्यू हमें प्रिंट होगी। तो इसलिए हमने क्या चलाया, एक लूप चलाया हमने फॉर नाम का, और एस टी हमने एक वेरिएबल लिया है, जो कि आप जानते हैं लूप किस तरह से हम चलाते हैं। अगर नहीं जानते तो आप उन वीडियोस को वापस देख सकते हैं, जो कि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी होगी, या देखी होगी, लूप्स वाली मैंने क्लासेस पहले ही आपको बता दिए, ठीक है। तो ये आपकी एफ आर है, ठीक है। अब जो भी है एफ आर वेरिएबल है, उसका जो फॉर लूप चलेगा, यानी लूपिंग चलेगी, वो एस टी में जाके स्टोर हो जाएगी, और फिर हम क्या करवाएंगे, एस टी को प्रिंट करवाएंगे, और हमारे जो भी यहाँ पे हमारी कीज़ की वैल्यूज़ है वो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, अब प्रिंट
ठीक है। प्रिंट लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब हम चाहते हैं सबसे पहले एस टी की वैल्यू, है ना, यानी फर्स्ट टाइम एस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या प्रिंट हो जाएगी, वन प्रिंट हो जाएगा, है ना। अब वन प्रिंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और हम चाहेंगे इनके बीच में क्या लग जाए, हमारी वैल्यूज़ के बीच में कॉलन लग जाए, इसलिए हमने इसके बीच में डबल इन्वर्टेड कोट्स के बीच में हमने कॉलन लगा दिया, यानी ये हमारा प्रिंट हो जाए। और फिर कॉमा लगा के हम यहाँ पर लिख देंगे हमारे डिक्ट नाम की जो वेरिएबल है उसके लिस्ट का जो डेटा है ना, लिस्ट हमारा जो भी है, लिस्ट का क्या करवा रहे हैं हम एस टी, यानी उसकी जो वैल्यू है, जो हमारे लिस्ट में वैल्यूज है, वो क्या करवा रहे हैं हम प्रिंट करवाने जा रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। एस टी में हमारा जानते हैं वन आएगा, और कॉलन लगाए क्योंकि हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, और डिक्ट जो कि हमने लिस्ट में स्टोर कर दिया था, उस लिस्ट का रिकॉर्ड एस टी में जो भी है हमारा, वो हमें जो भी हमारे वैल्यूज़ है वो हमें प्रिंट होके मिल जाए, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखवाया, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको प्रिंट एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हमारा क्या प्रिंट हुआ है, जो भी हमारी कीज़ थी उनके अकॉर्डिंग जो भी नेम्स थे वो हमें प्रिंट हो गए, यानी ये हमारा क्या हो गया है, कीज़ के अकॉर्डिंग हमारी डिक्शनरी का रिकॉर्ड क्या हो गया है, शॉर्ट हो गया है। वन पे खुशी थी, आप लोगों ने देखा था, वन पे हमारा रिकॉर्ड था खुशी का, ठीक है। वन पे खुशी है, फिर फोर पे मीना है, थ्री पे मीना है, फोर पे हीना है, और फाइव पे, सॉरी, वन पे खुश था, थ्री पे मीना है, फोर पे हीना, फाइव पे खुशी। तो ये इसी अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया है, रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल गया है असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट होके। वन पे खुश है, थ्री पे मीना, फोर पे हीना एंड खुशी। पहले आपने देखा हमारा जो भी डिक्शनरी का रिकॉर्ड था वो अनऑर्डर था, अनशॉर्टेड था। अब क्या हो गया, हमारे डिक्शनरी का डेटा हमें शॉर्ट होके हमें मिल गया। ये तो देखिए स्मॉल है, बहुत ही छोटा रिकॉर्ड है हमारे पास। जब कभी आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो इन बहुत ज़्यादा अमाउंट पर आपको इस तरह से शॉर्टिंग अपने फंक्शन अप्लाई करवाने होंगे। तो आप लोगों ने समझ ही गया हमने हमारे इस प्रोग्राम में क्या करा है, हमने डिक्शनरी बनाई है सबसे पहले, उसके बाद क्या करा है, हमने डिक्शनरी का डेटा लिस्ट में स्टोर करा है, एक वेरिएबल में डेटा स्टोर करवा के उसको प्रिंट करवाया, देन उसके बाद हमने उस वेरिएबल पर शॉर्ट फंक्शन अप्लाई करवाया। शॉर्ट फंक्शन अप्लाई करवाने के बाद हमने फॉर लूप के थ्रू क्या करवाया, हमारा जो भी डिक्शनरी का डेटा था जो हमने लिस्ट में स्टोर करवाया था उसे हमने एक्सेस करा है शॉर्ट के रूप में, है ना। जो भी वैल्यूज थी वो हमने कीज़ के थ्रू क्या करवा ली, हमारे एक्सेस करवा ली, हर एक एलिमेंट्स को लूपिंग के थ्रू हमने एक्सेस कर लिया है। तो आई होप कॉल कर लिया है, यहाँ पे समझ ही गए। जैसे फर्स्ट में हमारा लूप चला वन पे, तो वन की जो वैल्यू थी वो हमारी यहाँ कॉल की गई, फिर सेकेंड थ्री की वैल्यू कॉल की गई, फोर की वैल्यू कॉल की गई, और हमें वो सब प्रिंट होके मिल गया। जैसे ही फाइव पे हुआ उसके बाद हमारा लूप चलना बंद हो गया। तो आई होप आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा कि किस तरह डिक्शनरी का रिकॉर्ड हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।